क्लास टेंथ मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 में हम लोग है, जिसका दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए। चलिए मैं बता दूं, दूसरा क्वेश्चन में पूछा कह रहा है, बुक तो आपके पास होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन, जितना समय कम हो और हम सीख जाए आसानी से वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का पूर्णांक, और वो पूर्णांक दिया हुआ है इसमें कि 6q+, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे इतना हमें लाना है ना, हमें यह बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। क्वेश्चन यह है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में यूक्लिड लॉ के बारे में बताया गया है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन लॉ है क्या। यूक्लिड विभाजन लॉ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें आर क्या होता है, शेष होता है। आर क्या होता है, शेषफल होता है। और Q क्या होता है, कोसेंट होता है। Q से क्या होता है, कोसेंट होता है। कोसेंट किसको बोलते हैं, कोसेंट किसको बोलते हैं, याद कीजिए, कोसेंट किसको बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं भागफल को, कोसेंट बोलते हैं भागफल को। और B किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। और ये ए क्या है, तो ए बीच में है, भाग के बीच में जो रहता है, हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं और इंग्लिश में डिविडेंट कहते हैं, डिविडेंट कहते हैं। यानी समझ लीजिए इस तरह से होता है भाग, हम लोग ऐसे बचपन में सीखे हैं, है ना। तो जिससे भाग देते हैं उसको क्यू बोलते हैं, है ना। क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया, क्यू का मतलब सॉरी, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बी बोलते हैं, भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको ए बोलते हैं, और जो भागफल आंसर आता है उसको क्यू बोलते हैं, कोसेंट, और नीचे जितना शेष बच जाता है उसको आर बोलते हैं। समझ लीजिए, है ना। ये बी क्या है, तो बी जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि भाजक, इंग्लिश में डिविजर कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जितना नीचे बचता है घटा करके काट कूट के उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यूक्लिड साहब ने फॉर्मूला दिया था, इसको समझिएगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा। फॉर्मूला दिया था क्या चीज, कि भाज्य बराबर, ये बीच वाला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और उसमें शेष जोड़ देना है प्लस शेष फल। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कर दीजिए कि भाज्य बीच वाला क्या होता है, ए होता है, भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, बी होता है, और भागफल क्या होता है, यहाँ पे क्यू होता है, बी क्यू, और उसमें शेष जोड़ देते हैं रिमाइंडर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड लॉ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है, इसी पे ये इस चैप्टर का बाकी सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, हमें यह बताना है कि विषम धन पूर्णांक इस रूप में होता है। इसमें देखिए विषम धन पूर्णांक जो भी है, वन क्या है, विषम है, थ्री क्या है, विषम है, फाइव क्या है, विषम धन पूर्णांक है। ओके, इस फॉर्म में आता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला में क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये क्या है, आर है, आर हमें वन लाना है, थ्री लाना है और फाइव लाना है, और सिक्स क्यू में सिक्स क्या है, सिक्स है बी है, सिक्स क्या है, बी है। ओके, बी का मान है, बी किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, तो इस क्वेश्चन में बी हो गया सिक्स। तो यहां पे चूंकि बी बराबर कितना है, सिक्स है, बी बराबर क्या है, सिक्स है, और तो आर का मान कितना होगा ये आप जानिए। एक बात आप याद रखिए, हमेशा माइंड में नोट कर लीजिए कि बी से आर हमेशा छोटा होगा, बी जितना दिया रहेगा जो भी संख्या, उससे नीचे का सारा संख्या आर कहलाएगा, हमेशा छोटा होता है। मतलब कि बी अगर 10 है, बी अगर 10 है तो आर कितना हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ,
और जीरो भी, पूर्णांक की बात हो रही थी, पूर्णांक में जीरो भी शामिल होता है, धन पूर्णांक। तो देखिए जीरो से लेकर के नौ तक हो गया। अब आप लोग बताइए बी का मान अगर तीन हो तो आर कितना होगा, जीरो एक दो, है ना। बी जितना रहे उससे कम आर होगा, याद रखना माइंड में। अब बताइए जल्दी से आप बोलिएगा, बी अगर चार हो तो आर का मान कितना होगा, मेरे लिखने से पहले बोलिए बोलिए बोलिए। जीरो, हाँ सही बोले हैं। उसके बाद वन टू थ्री, जी हाँ। तो यही बी जितना रहेगा उससे कम आर होगा, ठीक है। और इसमें किस पूर्णांक की बात हो रही है, विषम धन पूर्णांक की बात हो रही है। चलिए तो हम सम और विषम सभी को लेके चलेंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा जब बी छह है, तो अब बताइए यहाँ पे आपने समझा आर का मान क्या हो सकता है, जीरो एक दो तीन चार पांच। तो इसमें सम संख्या भी है विषम संख्या, तो हम पूरी संख्या से पांच बार इस क्वेश्चन को बनाना होगा, फाइव टाइम एक ही जैसा काम करना होगा, और हमें देखना होगा कि सम में सम आता है कि नहीं, विषम में विषम आता है कि नहीं। अगर विषम में ये वाला रूप आ गया तो हम लिख देंगे विषम धन पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है। चलिए तो आर का मान अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जब आर बराबर जीरो, आर का मान अब जीरो लिखना है, ठीक है। तो यूक्लिड लॉ होता क्या, पहले वो लिख देंगे, यूक्लिड लॉ भी लिखना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड लॉ से ही बनाना है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आइए इंप्लाइज दैट देंगे, है ना, ए बराबर बी के जगह कितना लिखना है, छे, पूरे में बी के जगह छे, क्योंकि बी कितना है, छे है, तो सिक्स लिख देंगे, और सिक्स क्यू प्लस रिमाइंडर आर, आर कितना लिखना है, ये पांचों लिखना होगा, पहले जीरो हम रखे हैं, जीरो लिख दिए, ठीक है। इसलिए फाइनली ए बराबर क्या आ गया, सिक्स क्यू, जीरो जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखिए सिक्स क्यू कौन सा संख्या है, सिक्स क्यू सम है या विषम, ये हमें पकड़ना है कि सिक्स क्यू सम है या विषम है। तो यहाँ पे मैं बता दूं पहले कि देखिए सिक्स क्यू का मतलब क्या हो गया कि सिक्स क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, तो सिक्स का गुना किसी संख्या से हो रहा है, तो सिक्स का गुना चलिए एक से करते हैं तो क्या होगा, छह आएगा। अगर छह का गुना दो से करते हैं तो बारह आएगा, छह का गुना तीन से करते हैं तो अठारह होगा, छह का गुना चार से करते हैं तो छह चौक चौबीस होगा, छह का गुना दस से करते हैं तो साठ आएगा, छह का गुना ग्यारह से करते हैं तो छियासठ आएगा। अब जरा गौर से देखिए, छह को हमने सम संख्या से भी गुना किया है, सम संख्या से भी गुना किया है, और विषम संख्या से भी गुना किया है, लेकिन गुणनफल जो आता है गुना करके सारा का सारा सम है। सिक्स क्यू में छह को आप सम से गुना करो तो, अविषम से गुना करो तो आंसर आपका एक सम संख्या ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिक्स क्यू जो है वो सम संख्या है। ये सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या, क्योंकि क्यू के जगह पे आप कुछ भी रखोगे, कोई भी पूर्णांक वन से लेके कोई भी संख्या, तो उसका आंसर सम संख्या ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या है, क्लियर है। चलिए तो यहां पे हम ब्रैकेट में साइड में लिख सकते हैं कि सिक्स क्या है, सम संख्या, ब्रैकेट में याद रखने के लिए कि सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या है। अब देखिए बस इतना ही काफी था, अगर ये समझ गए तो अब कुछ भी नहीं है। तो आर का मान हमने जीरो रख के निकाल लिया कि एक सम संख्या आया, लेकिन हमें विषम वाला को देखना है, बनाना तो सभी के लिए होगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर एक, जीरो रख दिए, अब आर बराबर एक रख रहे हैं, तो आर का मान एक लिखना है। यूक्लिड लॉ लिख दीजिए पहले, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो ए इंप्लाइज दैट ए बराबर बी के जगह छह लिखना है, देखिए बी के जगह छह लिखना है ये वाला, और क्यू प्लस आर के जगह वन लिखना है। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, यहां पे सोचने वाली बात है कि सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या है, सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या, उसमें एक विषम संख्या जुड़ रहा है, उसमें एक विषम संख्या जुड़ रहा है। तो अब ये सिक्स क्यू क्या है, सम संख्या है, पहले ही हम बता चुके हैं आपको। तो किसी भी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सम आएगा कि विषम। जैसे कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे छह ले लीजिए, इसमें अगर विषम संख्या जोड़िए एक तो सात आ जाएगा, विषम आएगा। फिर छह एक सम संख्या, उसमें कोई भी विषम जोड़िए तो भी क्या आएगा, नौ आएगा, विषम आ रहा है। यानी किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो भी विषम हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये एक विषम संख्या हो गया, सिक्स क्यू प्लस वन क्या हो गया, विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम संख्या, क्योंकि ये सम संख्या है, उसमें एक विषम जुड़ रहा है यहाँ पे, तो विषम संख्या। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। देखिए पहला आ गया सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है, तो पहला आ गया। इसी तरह से पांच बार बनाएंगे पूरा आ जाएगा। चलिए अब हम इसको रखते हैं, दो को रखते हैं, क्या होता है, अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर दो, अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं चलिए समझने के लिए। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह कितना लिख देंगे, ए लिखेंगे, और बी के जगह छह लिखना है, क्यू प्लस आर के जगह क्या लिखना है, दो लिखना है, दो,
तो दो लिख दिए। अब दिमाग लगाइए, मामला क्या है, ये क्या है सम संख्या और ये क्या है सम संख्या, और सम संख्या सम संख्या को जोड़ेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, सम संख्या। तो ये क्या आ गया, सम संख्या आ गया ना, समझ गए, ये सम संख्या आ गया। तो हमें सम का नहीं देखना है, विषम का गौर करना है, क्योंकि विषम पूर्णांकों का ये रूप है, ये दिखाना है। चलो तो अब ये समझ रहे हैं कि ये सम संख्या और सम संख्या को जोड़े तो एक सम संख्या मिल गया, समझ गए। अब इसमें इस तरह से लिखने का जरूरी नहीं है कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दो का बना लिया, अब इसी तरह तीन का बनाते हैं। अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर तीन, आर का माना तीन लिखना है, तब यूक्लिड लॉ लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के जगह छह लिखना है, क्यू लिखना है, आर के जगह क्या लिखना है, अब अभी दो रखे थे अब तीन रखेंगे, तो तीन लिख दिए। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या, सिक्स क्यू सम संख्या है ना, देखिए ऊपर नहीं, अब उसमें फिर एक विषम संख्या जुड़ गया, तो ये भी विषम हो गया। देखिए आ गया दूसरा वाला, तो ये भी एक विषम संख्या हो गया। अब बनाते चलिए, जब आर बराबर चार लिखना है, चार लिखिए, यूक्लिड लॉ लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के जगह छह क्यू प्लस आर के जगह चार लिखना है, लिख दीजिए। अब ये सम संख्या और ये सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सम संख्या, लेकिन सम संख्या वाला नहीं देखना है, हमको विषम संख्या वाला देखना है। तो विषम संख्या एक बार यहाँ रखे थे तो पहला मिल गया था, विषम संख्या यहाँ आया था तो दूसरा वाला मिल गया, और फिर विषम संख्या जब पांच रखेंगे तो वो आ जाएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर चार लिख दिए थे, अब पांच लिखते हैं, आर बराबर पांच लिखेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया यूक्लिड लॉ, ए बराबर बी के जगह छह क्यू प्लस आर का मान कितना लिखना है, पांच लिखना है, पांच लिख दिए। तो अब ये देखिए क्या है, सम संख्या और ये विषम संख्या, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ना विषम संख्या। तो अब जरा गौर से देखिए, विषम संख्या है ना, आप इसको चाहे तो मान सकते हैं समीकरण एक, जो हमें चाहिए समीकरण एक, इसको समीकरण दो मान लीजिए और इसको समीकरण तीन मान लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन में विषम संख्या के बारे में बता रहा है कि विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक इस फॉर्म में होता है ना, तो विषम पूर्णांक इस रूप में आ गया। देखिए ये तीनों लाना था, तीनों आ गया, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः समीकरण एक दो तथा तीन से कि विषम पूर्णांक इस रूप का होता है ना, सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, यही हमें दिखाना था, साबित करना था, प्रूव्ड हो गया, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था, है ना, अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो इसके बाद और भी जितना भी क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स है वो सारा इसी तरह से बनेगा, बस आर का मान रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था। चलिए क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन एक वीडियो में अगर सारा क्वेश्चन डालूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन एक वीडियो में डाल रहा हूं। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा बस आप टाइप कीजिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा, और जब भी चैप्टर एक्सरसाइज का नाम लिखिएगा 3.1 1.1 उसके बाद मेरा नाम जरूर लिखिएगा, है ना, तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। जो भी एक्सरसाइज लिखिए उसे मेरा नाम लिखिएगा, DILIP और स्पेलिंग HRISHABH, आप मेरा नाम लिखिएगा, एक्सरसाइज लिखने के बाद आप मेरा ये नाम लिख दीजिए, आपको फटाक से वो वीडियो आपको मिल जाएगी, या इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आप लिखिए उसमें मेरा नाम जोड़ दीजिए, आपको वो मिल जाएगा, है ना। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव चाहिए तो लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मैथ का आप चैप्टर का नाम लिखिए और मेरा नाम लिख दीजिए, आपको वो क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, है ना, समझ गए। थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, बाय बाय।